जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। कुछ दिन पहले हम लोगों ने आर्टिस्ट टिंकू से लाइव पेंटिंग कराया था कैनरी के पास। जबरदस्त पेंटिंग किया था उसने। आज हमें मिल गए हैं हजारीबाग के पोर्ट्रेट आर्ट, जो स्केच आर्ट करते हैं, और हजारीबाग के सभी का पेंटिंग बना चुके हैं। डीसी का, एसपी का, डीएसपी का, और बड़े बड़े कलाकारों का, बॉलीवुड एक्टर्स का ही बना चुके हैं स्केच आर्ट से। और हमारा भी फोटो बनाया था जोहार हजारीबाग देख कर चैनल से, मेरा भी फोटो बनाया है। आप देखते हैं आप लोग किन किन का फोटो पहचान सकते हैं। मेरे साथ जो आर्टिस्ट हैं वो आप इधर आ जाइए, आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। आपका नाम क्या है? प्रीतराज प्रीतराज। जी, हम रीतराज लिख चुके हैं। प्रीतराज है, प्रीतराज है। प्रीतराज क्या करते हैं ऐसे आर्टिस्ट के अलावा? आर्टिस्ट के अलावा भी 12th में है, ट्वेल्थ में पढ़ाई है? करते हैं। हाँ अच्छा, ट्वेल्थ में ही है। हाँ और अभी कब से 12th ही बना में। रहे हैं ये बचपन ही से शौक है क्या? मेरा। बात है, क्या बात है। चश्मा नहीं, पावर वाला है कि फोकस है? ये थोड़ा पावर वाला है थोड़ा थोड़ा। पावर वाला है, हाँ मतलब बनाने में मदद करता है हाँ फोटो। स्केच आर्ट है, सीखे भी कहीं कि अपने से? अपने ही से। पापा ऊपर सब जानते, पापा जानते, मम्मी जानते, भैया हाँ, जानते, सब जानते, ऑल टोटल घर क्या में। बात है, पूरा फैमिली मतलब आर्टिस्ट है। तो मिलना पड़ेगा फिर, जी पकड़िए थोड़ा देर, हम आपका पेंटिंग थोड़ा पब्लिक को दिखाते हैं और देखते हैं लोग पहचान सकते हैं कि नहीं। तो मैं कैमरा मैन को बोलूँगा दिखाएं ये तस्वीर किसकी है भाई, देखिए आप लोग पहचान पा रहे हैं कि नहीं। लास्ट बताएंगे कि तस्वीर किसकी है, पकड़िए आप इसको। लेकिन यहाँ देखिए ये जो तस्वीर है, ये महिला है, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं। गौर से देखिए कौन है ये, मैं नहीं बताऊंगा, आप देखिए और कमेंट कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं ये महिला कौन है। बहुत पॉपुलर है, हजारीबाग की है, और अभी 1.5 साल हुआ है इनको हजारीबाग आए हुए, और बहुत काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। इसके बाद देखते हैं किसकी तस्वीर है। हाँ, इसके बाद ये देखिए, ये है, डीएसपी अरे ये तो नाम लिख दिया यार तुमने, डीएस मैं कह रहा हूँ नाम छुपाए, हटा दिया थोड़ा हटा दिया। हटा दिया नाम। अब देखिए ये फोटो देखिए, ये भी काफ़ी चर्चित हैं, और हजारीबाग पुलिस में डीएसपी हैं। नाम इनका आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, बाद में दिखाएंगे, या आप कमेंट कर सकते हैं अगर आप जानते हैं तो। उसके बाद आप देखिए ये जो तस्वीर है, देना चाहते हाँ थे ये उसको। है, ये तो पॉपुलर है, इनको तो सब लोग जानता है। इनका नाम मैं भी बता दूंगा, बहुत आसान है, सोनू सूद है ये। और सोनू सूद के जो ये जो कलाकारी है ना, दिमाग में जो डाला है वो ज़बरदस्त है। ये देखिए, फ्लाइट से लोगों को घर भेजा, ट्रेन से लोगों को घर भेजा, बस से लोगों को घर भेजा, तो ये कोरोना काल को दर्शाया है। सोनू सूद का जो पेंटिंग है, लोगों को ट्रेन से घर भेजा, फ्लाइट से घर भेजा, बस से घर भेजा। लॉकडाउन में क्या हुआ था कि लोग फंस गए थे, पैसे नहीं थे गरीब आदमी के पास, तो लोगों ने सोनू सूद जो निकले, एक उभर के निकले और लोगों को मदद करने के लिए एज ए हीरो निकले, उनका ये तस्वीर बनाया है। ज़बरदस्त है, पहली बार हमने देखा है इस तरह का तस्वीर। पोर्ट्रेट तो बहुत देखा, लेकिन स्केच आर्ट में ये कंसेप्ट जो है वो पहली बार देखा। उसके बाद देखिए सोनू सूद के बाद, रोलेक्स सूर्या है, ये कौन है? रोलेक्स अच्छा, सूर्या सूर्या हीरो है, है। साउथ ही, साउथ साउथ का साउथ। हीरो है। अच्छा, हाँ मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पहचान लूँगा गौर से देखूँगा, क्योंकि मैं पीछे से देख रहा हूँ। तो ये देखिए, आर्ट तो गजब बनाते हैं, ऐसा स्केच तो भाई पहले मैंने देखा नहीं है। देखा है एक अनिमेश करके है लड़का, लेकिन आप भी, ये कौन है भाई, हीरो लग रहा है तो। RRR। अच्छा, ये RRR फिल्म में दो जी हीरो हैं, बहुत पॉपुलर है साउथ में, इतना पॉपुलर है कि सेट मैक्स एक चैनल है जिसमें रोज़ इनका आते रहता है इनकी मूवी। तो ये सब हैं, साउथ इंडिया के सुपरस्टार हैं ये। और ये ये, पुअर पुअर हाँ फार्मर है, अच्छा, पुअर फार्मर। क्या बात है, गजब फोटो बनाया है भाई। देखिए ये आदमी कोई गांव का है, और जिसकी तस्वीर इसने बनाई है लाजवाब है, और सिर्फ पेंसिल से बनाया है जी आपने ना। जी सिर्फ पेंसिल से। ये देखिए, पेंसिल आर्ट में भी गजब जादू है, लाजवाब। प्रीतराज नाम है, और ये 1/9 को बनाया है, 1 सितंबर को बनाया है, और रिसेंटली बनाया है ये। वाह, मज़ा आ गया। उसके बाद देखिए ये जो तस्वीर केजीएफ है, भाई तो वही है लगता है, वो रॉकी, रॉकी भाई आपने देखा है कि नहीं? रॉकी भाई, जी सलाम रॉकी भाई, गाना है सलाम रॉकी भाई। KGF का ये हीरो है, और एकदम हूबहू उतार दिया है इन्होंने बिल्कुल। उसके बाद देखते हैं किसका बनाया है भाई, ये महेश ये बाबू हैं नए क्या? नए नहीं, नए कौन ये है? टीचर है, अच्छा, कहाँ के टीचर हैं? ये हजारीबाग में पढ़ाते अच्छा, हैं, क्या चीज कहते हैं, ट्यूशन है ट्यूशन टीचर हैं। देखिए जी। आप लोग दीपक पहचानते हैं सर कि है। नहीं, पता, मैं तो पहचानता नहीं हूँ इतना, लेकिन आप लोग देखिए पहचानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए वही ये जो तस्वीर रोलेक्स, है, वाह ये कौन है भाई, रोलेक्स रोलेक्स कौन है ये? सूर्या। सूर्या, सूर्या का बहुत बड़ा फैन है ये लगता है। देखिए ये सब पेंसिल आर्ट में भी इतना खूबसूरत लग रहा है कि कुछ फ़ोटो से खींच के निकला हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो से ऐसा फ़ोटो बनाया है, ज़बरदस्त, ये ज़बरदस्त है भाई। उसके बाद देखते हैं ये ये कौन है, हजारीबाग के सांप मित्र एम गोपाल आर्ट। एम गोपाल,
जी अच्छा, सात हजारीबाग मित्र के हैं। ही हैं ये व्यक्ति, देखिए आप लोग पहचानते हैं कि नहीं, ध्यान से देखिए, बाद में कमेंट कर सकते हैं जो लोग पहचानते हैं कि नहीं। ये कौन महिला है ये भाई? एक लड़की है बस ये सिंपल लड़की है, ठीक है, सिंपल लड़कियों का भी आप बना लेते हैं। देखिए वो वर्ड में, खाली है। हाँ ये तो मैं पहचान रहा हूँ, ये बॉलीवुड के हैं ना, ये मॉर्गन फ्रीमैन हाँ, लग रहे हैं। फ्रीमैन है। हाँ वाह, मॉर्गन फ्रीमैन बहुत पुराने एक्टर हैं और बॉलीवुड में इनका, ये हॉलीवुड में इनका जो जवाब नहीं है, बहुत पुराने एक्टर हैं। उसके बाद ये ये देखिए, मेरे बड़े भाई का अच्छा पिंटू अपने बड़े भाई का, देखिए जी। पानी लग रहा है कि टपक रहा है, पानी लग रहा है कि कागज़ में लगा हुआ है, लेकिन ये पेंसिल से सब बनाया गया है ना। अभी झील बगल में है और लग रहा है कि झील का पानी जो है इनके चेहरे पे पड़ गया है, लेकिन ये मत सोचिएगा पानी कागज़ में है, पानी ये आर्ट में है, सिर्फ ज़बरदस्त बनाया। क्या बात है, ये मैं अपना बनाया अपना ही फोटो बना चुके हो। जी, मैच तो देखिए ये, के देखिए ये फोटो इसका है यूनिक और है। अपना ये ब्लैक एंड व्हाइट में, ये ऐसे दिखते हैं, आर्टिस्ट हैं प्रीतराज। आखिरी फोटो किसका है भाई? लाइगर, ये लाइगर है, लाइगर एक फिल्म आई है अभी, बहुत हॉट स्टार है, फेमस है, टाइगर और किसका कॉम्बिनेशन है, लायन, टाइगर और टाइगर और लायन, लायन के कॉम्बिनेशन, ये आदमी फिल्म में दिखाया गया है। एमएमए का बहुत बड़ा फाइटर बनाया बना है ये, विजय बहुत बड़ा सिन्हा। फाइटर है। इसमें बहुत बड़ा एक और एक्टर भी है, रोहित रोय रोन रोनित राय करके, और ये फिल्म काफ़ी चल रही है, तो उसी का इसने बनाया है, ज़बरदस्त। तो हम लोग का मेन फोकस तो इसी फोटो पे है, ये सबसे अच्छा फोटो यही है लगता है, क्या कैमरामैन को क्या यही फोटो सबसे अच्छा बनाया ना। बेस्ट ये मेरा फोटो फेसबुक से इसने निकाला था और ये देखिए बना के मुझे दे दिया है, पता नहीं मेरे जैसा लग रहा है कि नहीं, देखिए तो मेरे जैसा ये फोटो लग रहा है कि नहीं, आप लोग पहचान लीजिएगा। तो ये फोटो जोहार हजारीबाग की तरफ से बना दिया है, ये मेरा फोटो था फेसबुक में, डीपी उसी डीपी का बना दिया, वही चश्मा मैं पहने हुआ हूँ अभी, तो पहचान तो लीजिएगा ही। चलिए अब आपसे हम बात करते हैं, तो ये बताइए कितना टाइम लगता है एक आर्ट को बनाने में? ये 2 से 3 दिन लगता है एक एक बनाने एक में बनाने में? जी क्या बात है, मतलब अगर आप 30-40 बनाए, मतलब 90 दिन लगा होगा जी। बनाने में। और क्या करते हैं, बेचते हैं, क्या करते हैं? अभी ये ऑर्डर का भी बनाते हैं हम लोग कोई ऑर्डर दिया आप जी आर्ट बनाए, उसको आप पेमेंट जी ऐसा करते हैं, जी वैल्यू मिलता है यहाँ पे आर्ट का? वैल्यू तो अभी नहीं मिल रहा है वैल्यू नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई जानता नहीं है ना, हाँ। इसी वास्ते तो अभी क्या करना है आगे, क्या आर्ट में ही रहना है या आगे फिर पढ़ाई करके आगे जाना है? पढ़ाई करके भी आगे जाना है, पर हाँ आर्ट से ही आगे जाना है आर्ट से हमको ही आगे जाना, तो जी 12th के बाद फाइन आर्ट्स ऐसा कुछ कोर्स जी करेंगे जी जी और उसके बाद इसी दुनिया में जी रहेंगे, क्योंकि बाहर बहुत हम डिमांड सबसे है। पहले हजारीबाग का नाम रोशन करना चाहते हैं आर्ट से, फिर पूरे इंडिया का। तो और क्या क्या सीखे हैं, ये सिर्फ स्केच में ही आप जाना चाहते हैं कुछ और करना चाहते हैं? स्केच ही में, स्केच ही पेंटिंग में, में हाँ, जी क्योंकि आपका कमांड देख के ऐसा लग रहा है, बाकी जो फोटो है इसमें तो खैर ये मेरा है तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बाकी फोटो में तो जबरदस्त आपने मतलब टाइम दिया है और जी। जबरदस्त कलाकारी की है। तो ये रोज प्रैक्टिस करते हैं कि वीकली ऐसा कुछ टाइम निकालते रोज हैं, डेली डेली कुछ ना कुछ जी आर्ट बनाते रहते हैं? जी और इतने जो अधिकारी लोग का बनाए हैं, DC SP उनको को, भेंट हाँ करना है भेंट करना है, जी, कब भेंट कीजिएगा? तो कब टाइम आने पर ही करेंगे मतलब कोई ओकेजन में भेंट भेंट करते जी। हैं। DSP साहब से मिलिए, DSP साहब से मिलिए, जी उनको पापा दीजिए। तो बोल रहे थे मिलने, तो हाँ कल ही परसों तक में चल जाएंगे अच्छा, जी। हाँ ज़रूरी है मतलब। और बताइए क्या इसके अलावा क्या है, हॉबी क्या है, क्या करते हैं, क्या करना मेरा पसंद, यूट्यूब क्या चैनल भी चलता है, नाम प्रीतराज है, प्रीतराज अंबेडकर करके, उसमें क्या करते हैं? उसमें यही मतलब बताया गया है पेंटिंग को, अच्छा कैसे करते हैं, हाँ क्या कैसे करते कैसे हैं, कैसे मतलब कैसे सिखाते करते हैं भी हैं जी, आप? सिखाते भी हम। तो क्या नाम है, देखिए प्रीतराज अंबेडकर, यहाँ एक चैनल महीने का क्या में नाम है? प्रीतराज अंबेडकर, तो इनका चैनल भी है यूट्यूब में, प्रीतराज अंबेडकर, उसको आप देख के सीख सकते हैं। तो जो लोग पेंटिंग सीखना चाहते हैं वो इनके चैनल में जाके सीख भी सकते हैं। यहाँ हाँ क्लास भी खोले हैं मंडे में और हाँ एक राजा बंगला में अच्छा, दो पेंटिंग जगह का क्लास खोले हैं, जी बच्चे को सिखाते हैं, जी स्कूल के बच्चे लोग को सिखाते हैं जी ऐसा जी करके, बहुत बढ़िया। तो इतना चार्ट बनाते हैं, सिखाना ही चाहिए, जब जब कोई लोग कुछ सीख जाता है तो उसको दूसरे तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आर्ट अपने तक छुपा रह जाए तो फिर उस आर्ट का कोई वैल्यू नहीं है। जब तक आर्ट आप सीखते हैं दूसरे को, जब तक नहीं दे देते हैं अपना आर्ट, तभी उसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। जब तक आप कुछ सीखते हैं, जैसे कोई खिलाड़ी होता है, अपना खिलाड़ी जो सीखता है वो फिर कोच बनता है, कोच बन के अपना सारा गुण जो है वो प्लेयर को सिखाता है, तो वो प्लेयर फिर आगे जाके बड़ा बनता है, तो फिर कोच का नाम लेता है। इसी तरह से आर्ट में है, अगर आप कोई आर्ट जानते हैं तो आप अपना आर्ट जानने वाला आर्ट दूसरे को बताइए, तभी उससे अच्छा आप कर पाइएगा, क्योंकि आपका चेला जो है कुछ ना कुछ अच्छा बना के देगा तो आपको लगेगा कि हमको इससे भी बेटर बनाना है। तो यही है एक आर्टिस्ट में खूबी है, आर्ट ज़िंदगी भर चलता है और ज़िंदगी भर इसमें इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट का सीन होता है और इसको और अच्छा बनाया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, पहले तो हम लोग के लिए जो फ़ोटो बनाए हैं आप, और दूसरा हज़ारीबाग के अन्य लोगों के लिए बनाए हैं, जी।
और आप बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप जाएं कंपटीशन में भी जाएं और बड़े बड़े कंपटीशन हम तो जाना चाह रहे हैं, मतलब सोनू सूद को भेंट करने पर उतना हाँ। भी नहीं है ना, वो तो ठीक है सोनू सूद को भेंट कीजिएगा, लेकिन आप कंपटीशन में जाइए बड़े बड़े कंपटीशन हमको पता ही नहीं चलता है मतलब। तो हम लोग बताएंगे लिंक, यहाँ बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बताएंगे कैसे होता है, हम आपको लिंक देंगे। और अगर आप देख रहे हैं इस चैनल को तो प्रीत राज का नंबर मैं डाल दूंगा, उसको आप कॉल कर सकते हैं, इनके आर्ट को प्रमोट किया जा सकता है। कैसे प्रमोट किया जाएगा इनको पता नहीं है, क्योंकि ट्वेल्थ में है, हजारीबाग में रहते हैं, बाहर जो लोग रहते हैं दिल्ली बॉम्बे में या फिर बाहर जो रहते हैं, आर्ट का इंपॉर्टेंस वहाँ पे कुछ है। तो सच में इनका गजब हाथ है, आपने देखा ही वीडियो में, हमने हर फोटो दिखाया है जो ये बनाया है, लाजवाब है, स्केच ऐसा बनाते हैं कि मतलब जादू की तरह है। तो आप इनको प्रमोट नहीं, इनको आप एक रास्ता दिखा सकते हैं जो लोग देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको लिंक भेज सकते हैं कि आप यहाँ पे कंपटीशन में जाएं, क्योंकि एक बार दो बार कंपटीशन में जाएंगे, अलग आर्टिस्ट के साथ जब मिलेंगे तब कुछ और भी सीखेंगे और इनका अपना मनोबल भी बढ़ेगा कुछ कम्पीट करेंगे तो। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रीत जी, आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इसी तरह से आप ग्रो कीजिए, और उम्मीद है कि हम आपको फिर से एक बार कॉन्टैक्ट करेंगे ऐसा कुछ होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोल रहे हो? हाँ फोटो दिखा देते हैं, कैमरामैन बोल रहा है कि बाकी फोटो एक बार और दिखा दे। हाँ आपका ही फोटो वो दे रहा है आपको। अच्छा हाँ, अच्छा गिफ्ट है, गिफ्ट तो दे ही चुका। तो ये देखिए ये जोहार हजारीबाग को ये गिफ्ट कर दे रहा है प्रीत राज, थैंक यू प्रीत, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको मैं रखूँगा हमेशा, मेरे साथ रहेगा ये, और जब भी वीडियो बनाऊँगा तो याद करूँगा कि तुमने ये गिफ्ट किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग झील पे थे, कैमरामैन तमीम फैजी के साथ, जोहार हजारीबाग।